पार्टनरशिप कैन अराइज ओनली फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस. कॉन्ट्रैक्ट यानी करार, स्टेटस यानी दर्जा. करार और दर्जा दोनों में क्या फर्क है? खासदार गुजर गया बस, और कॉन्ट्रैक्ट करार करके सब लोगों से एग्री करके वो बन गया. चार पार्टनर थे, चारों एक एक्सीडेंट में डायरेक्ट होलसेल में ऊपर गए. अब चारों के जो बच्चे बचे हैं बताओ वो पार्टनर बनेंगे क्या? डायरेक्ट नहीं बन सकते, एग्रीमेंट ही चाहिए. बिना एग्रीमेंट के कोई भी भागीदार नहीं बन सकता है. स्टेटस दर्जा ने नहीं बना, करारा ने बन जाओ. पुड़े पार्टनरशिप इज डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल यानी सेपरेट फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस समझता है सर? एचयूएफ क्या करती है? फैमिली बिजनेस करती है. ये एचयूएफ का डिटेल क्या है वो अगले पेज पे हमको देखना है. अभी सिर्फ सब लोगों ने एचयूएफ किधर ना किधर पढ़ा होगा ना. अरे बोलो. इट इज नथिंग बट अ फैमिली बिजनेस. टू और मोर पर्सन ऑफ अ फैमिली कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस, इट्स कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इसका और सिर्फ फैमिली का कोई रिलेशन नहीं है. एक व्यक्ति है, उसके तीन बेटे हैं और तीन बहुएं और बच्चे बहुत सारे. लेकिन हर एक आदमी बिजनेस अलग अलग कर रहा है, हर एक का बिजनेस अलग. बोलो इज इट एचयूएफ? हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड. वो हो गया आपके सोशल इश्यू. इट इज फ्रॉम द बिजनेस एंगल. बिजनेस एंगल में एचयूएफ का मतलब है द फैमिली कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस. कम से कम दो या अधिक मेंबर उस बिजनेस में होने चाहिए. इट्स कॉल्ड एचयूएफ. गवर्नमेंट का मतलब बिजनेस के इसमें हा? ऐसे नहीं कंपल्सरी पार्टी ऐसा नहीं. क्योंकि क्या होता है, देखो एचयूएफ करने का बहुत फायदा है. और भारत में एचयूएफ कौन कर सकता है? हिंदू के डेफिनेशन में कौन आते हैं भारत में? नॉट ओनली हिंदूज आते हैं, जो सिख लोग होते हैं सरदार वो भी उसमें आते. दे कैन फॉर्म, मतलब सिर्फ दो लोग छोड़ के, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, इनको एचयूएफ नहीं बनाते आती. बाकी एचयूएफ बना सकते, नहीं बनाते आती बाकी एचयूएफ बना सकते. और एचयूएफ बनाने का फायदा है आपको और एक इनकम टैक्स का रिटर्न भरने को चांस मिलता है, उतनी और इनकम आपकी वाइड बन जाती है. सीए के पास जाओगे तो वो आपको सलाह देता है कि एचयूएफ क्रिएट करो, जैसे हमारी एचयूएफ है. तो खेती से जो भी इनकम आती है वो हम एचयूएफ में डालते हैं. एचयूएफ के नाम पे अलग अकाउंट होता है, वहां पे एफडीज अलग कर सकते हैं, इधर एफडीज अलग कर सकते हैं. एचयूएफ के नाम पे कुछ बिजनेस है, मतलब खेती जो पुरखों से चली आ रही है जनरेशन बाय जनरेशन. या हमारे गांव में जो दुकान है, इट इज जनरेशन बाय जनरेशन, सो इट इज एचयूएफ. आगे. मेल चाइल्ड कुछ लोग उसका शब्दशः अर्थ निकालेंगे, मेल बने पुरुष, चाइल्ड बने मुलगा पुरुष, मुलगा पुरुष, मुलगा मने इसका मुलगा. सिंपल. एक्वायर्स यानी गेट्स एन इंटरेस्ट. इधर इंटरेस्ट का मतलब अलग है, इंटरेस्ट का मतलब अलग अलग मीनिंग होते हैं. मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला मतलब क्या? ब्याज. मुझे उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है मतलब क्या? हिस्सा. निकल.
प्यार है, ईसा है, नहीं उधर इंटरेस्ट मतलब क्या, रस बराबर यस, उधर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरे हमें कुछ चीजों में इंटरेस्ट होता है क्या, कहीं ना संगीता मध्य इंटरेस्ट असतो, कहीं ना कविता मध्य इंटरेस्ट है, रस है, रसिक है। आगे सो इधर इंटरेस्ट का मतलब क्या लेने का, हिस्सा, उनको हिस्सा है इन अ फैमिली बिजनेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। आप बोलेंगे सब मेल चाइल्ड क्यों, क्योंकि भारत में एचयूएफ के दो भाग है, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ, दो भाग है, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ एचयूएफ इन इंडिया, दया भागा मिताक्षर, जो आप शायद उसी में पढ़ चुके हैं, 12th में था ना उसी में, 11th में था, 12th उसमें से एक स्कूल बोलता है कि एचयूएफ में सिर्फ मेल में, स्कूल बोलता है कि एचयूएफ में सिर्फ मेल मेंबर होते हैं और दूसरा बोलता है कि दोनों चलते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो या ईमेल, ईमेल मेल। दो दिन पहले कोई तो पूछ रहा था मेल और रेडिट मेल और जीमेल और ईमेल, या जीमेल और रेडिट मेल और जीमेल और ईमेल, या जीमेल ईमेल में क्या डिफरेंस है, ओके कुछ ऐसे मजाक के सवाल आते हैं। शांताबाई यानी बाई मध्य का मैं उनको आंसर देने वाला था लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैं उनको आंसर देने वाला था लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, तो शांताबाई इज अ पार्ट ऑफ बाई, समझे क्या, सो जी मेल इज अ पार्ट ऑफ ई मेल, ई मेल यानी ई मेल होता है और जी मेल वो एक कंपनी है जो आपको ई मेल, ओके पॉइंट किया था अपना। मेल चाइल्ड कुछ जगह पे सिर्फ पुरुष ही एचयूएफ के मेंबर हो सकते हैं और कुछ जगह पे दोनों होते हैं, दोनों होते हैं तो प्रॉब्लम है नहीं, इधर दोनों नहीं होते उधर ही। बोलो आपकी फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ वो आते ही क्या बन गया आपका मेंबर, एचयूएफ का मेंबर बन गया क्या, या आप पहले उसको पूछेंगे या ये उंगली पकड़ दोनों में से, ये पकड़ा तो बनेगा, ये पकड़ा तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ उधर सवाल पैदा होता है क्या, या बड़ा होने के बाद वो बोलता है मैं गलती से आपकी फैमिली में आ गया, मैं आपके एचयूएफ का मेंबर, मैं गलती से आपकी फैमिली में आ गया, मैं आपके एचयूएफ का मेंबर, मैं चला बाजू वाले के एचयूएफ, ऐसा होता। एचयूएफ यानी एचयूएफ, उसमें जैसे इधर जन्म हुआ मेंबर, बोलो यानी एचयूएफ में हर मेंबर जब जन्म लेता है, वो हम देखने वाले माइनर केस में अगले, में हर मेंबर जब जन्म लेता है वो हम देखने वाले माइनर केस में अगले, अब इसलिए बता के रखता हूं, तो जन्म लेते ही वो मेंबर बन जाता है। आगे और पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट में हो, दो पार्टी वो भी पार्टनरशिप में आ गए, अभी पार्टनरशिप कितने हो गए चार, फिर कुछ दिनों के बाद उनको एक एक बच्चा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वो भी पार्टनर में हो जाएगा क्या, बिकॉज द पापा ऑफ दैट चाइल्ड इज अ पार्टनर, मम्मा ऑफ दैट चाइल्ड इज अ पार्टनर, देन दैट चाइल्ड इज, जब तक ही नहीं होगा तब तक वो पार्टनर बनेगा नहीं, ध्यान दे। आगे इस तरह पार्टनरशिप वॉल्यूंटरी भी है और कॉन्ट्रैक्चुअल भी है, वॉल्यूंटरी स्वइच्छा से, स्वइच्छा से, स्वतःच्या इच्छेने किंवा याला आपण इच्छाधारी लिहू शकता, इच्छाधारी भागीदारी। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल करार, इसके लिए मैंने दो लाइन लिखी ली है, इसकी हर एक की जगह दो दो लाइन बोलूंगा अभी। इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना करार ना ही भागीदार, किंवा होण्यासाठी भागीदार
बिना सके भैया, ठीक है चला वाजवा बिना, मराठी में लिखना है लिखो, बिना करार ना ही भागीदार। हिंदी में लिखना है तो बिना को बिना करो, बिना करार नहीं भागीदार। जरूरी चीज क्या होती है? करार। अब आप बोलेंगे सर करार किस टाइप का होता है, दूसरा करार कैसे बनता है, वॉलंटरी स्वइच्छा से बनता है, कोई आपके ऊपर बंदूक रखे और बोले चल करार कर, कैसे बनता है, कोई आपके ऊपर बंदूक रखे और बोले चल करार कर, उसको नहीं करार नहीं है बजबी हो गया, करार जो है वो खुद की इच्छा से होता है, वॉलंटरी शब्द था ना ऊपर, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं खुद खुशी करो, खुद खुशी करो मत करो, खुद खुशी करो मत करो। खुद खुशी शब्द कितना अच्छा है लेकिन उसका गलत मीनिंग निकाल गया। An agreement from which relationship or partnership arises may be expressed or implied. Express? शब्दों में बया किया, शब्दांमध्ये व्यक्त केलेलं, और इम्प्लाइड पार्टनरशिप बन जाती है, इम्प्लाइड मतलब नॉट इन वर्ड्स। वो एक गाना था शब्दों में बयां न कर पाए, तेरी मेरी ये भागीदारी है मुश्किल, दो शब्दों में इसे बयां न कर पाए। वो बोलता था सिर्फ बयां न कर पाए, क्यों बयां, मानुष भी नहीं है, अरे बया मजे भाई नहीं बया समझता है बया जाओ दे बया। तो बया करना यानी स्पष्ट करना, कुछ चीजें शब्दों में बया होती है, कुछ चीजें शब्दों में जाती चल जाती है, क्या बोलो? यस सर, यस गोष्टी शब्दात नहीं सांगता येते, काही मानायचं असतं, लग्ना लागल्यावर किती वेळा सांगणार जेवण जा जेवण जा, आपण मानून घ्यायचं जाय जायचं जेवायचं, नाही तो त्यांनी मला सांगितलंच नाही जेवायला, असा विचार करायचा नाही, डायरेक्ट जायचं, असा विचार करायचा नाही, डायरेक्ट जायचं। बहुत ऐसा होता है जिसकी शादी होती है उसको कोई आमंत्रण देता ही नहीं, तो बिचारा सगळ्यांना आमंत्रण देतो, त्याला कोणी आमंत्रण देत नाही, मग त्याने जायचं नाही जायचं, जायचं इम्प्लाइड आहे, तो गेल्याशिवाय लग्न लागत नाही। पुढे ओरल और राइटिंग, आपल्या देशामध्ये करार दोन्ही प्रकारचे असतात, तोंडीपण आणि लेखी। फॉरेन में ऐसा नहीं है, फॉरेन में एग्रीमेंट बोले तो राइटिंग में ही चाहिए, क्योंकि उधर जुबान को कीमत नहीं है, अपने देश में जुबान को बहुत कीमत है। दिवस भर कभी कभी समझ में नहीं आता है वो प्रधानमंत्री है क्या, प्रचार मंत्री है, और राहुल गांधी है कि आप सिर्फ बोलने की आंधी है, सारे प्रचार मध्य भाषण, अरे भाषण करण्यापेक्षा लोकांना, सारे प्रचार मध्य भाषण, अरे भाषण करण्यापेक्षा लोकांना काहीतरी ठोस द्या, ठोस ठोस म्हणजे तत्र ठोस, ठोस नाही आहे ठोस, रियल कुछ ना कुछ रियल चीजें देनी, मग 15 लाख असून नाही दिली, रियल चीजें देनी, मग 15 लाख असून नाही दिली। तो ओरल भी हो सकती, राइटिंग भी हो सकती, एग्रीमेंट किसी भी टाइप का चलेगा, एग्रीमेंट के बारे में पता चल गया सबको, तो सबसे पहले क्या चाहिए, एग्रीमेंट। अगला शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस, दूसरी चीज आती है शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करते आना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट। इसमें ना दो ही चीज़ है, दो ही कौन सी दो ही चीज़ है, पहला ना ही भागीदार, मराठी में बिना व्यापार ना ही भागीदार, हिंदी में बिना को बिना और ना ही को नहीं, ये हो गई दूसरी राय। बिजनेस होना चाहिए,
देयर मस्ट बी व्यापार आगे फॉर दिस पर्पस द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. बिजनेस किसको बोलते हैं, इसको मैंने एक शॉर्टकट शब्द बनाया. ऑलवेज ध्यान में रखो बिजनेस में तीन चीजनेस में तीन चीजें आती है. पी ओ टी पोर्ट कहते बोले बिजनेस उसको बोलते हैं जो हम पोर्ट के लिए करते हैं. अपन मंत्र पोर्टा पर ऐसा प्रश्न अरे इसके लिए करते हैं पेट के लिए. प्रोफेशन ओ फॉर ऑक्यूपेशन टी फॉर ट्रेड. बिजनेस यानी ये तीन में से कोई तो भी एक चीज करना इट्स कॉल्ड एज बिजनेस. तो तीनों में क्या फर्क है वो मैंने टर्म्स में दिया है. पढ़ो में दिया है पढ़ो. ट्रेड का मतलब होता है माल की खरीदी और बिक्री. जब आप माल खरीदी करते हैं या माल बिकते हैं तो इट्स कॉल्ड एज व्हाट ट्रेड व्यापार. आगे प्रोफेशन दैट इज गिविंग सर्विसेज व्यापार. आगे प्रोफेशन दैट इज गिविंग सर्विसेज. प्रोफेशन प्रोफेशन गिविंग सर्विसेज लोगों को हम सेवा देते हैं तो क्या होता है प्रोफेशन. और तीसरा ऑक्यूपेशन लाइक सिंगर पेंटर्स. ऑक्यूपेशन और तीसरा ऑक्यूपेशन लाइक सिंगर पेंटर्स. ऑक्यूपेशन यानी कला. कुछ ना कुछ कला होती है. जाचा अंगी नाना कला तो उस मानुष खरा. कला होनी चाहिए. बताओ तुम्हारे अंदर कला है. किसकी तो भी कला होनी चाहिए क्या नहीं तुम्हारे पास. यस तीनों में डिफरेंस. ट्रेड करने के लिए ना ये चाहिए ना डिग्री चाहिए कुछ नहीं चाहिए ना आपके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी चाहिए. कोई भी बैठ के बुधवार चल सकता है. ओके ट्रेड करने के लिए ना कुछ डिग्री चाहिए ना जो ज्यादा कुछ क्वालिटी चाहिए. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सिंपल काम. दूसरा था प्रोफेशन. प्रोफेशन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए. के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए. कल कोई भी उठा और बोला मुझे सीए से ज्यादा नॉलेज है मैं ऑडिट करके देता. नॉलेज तेरा घर पे डिग्री के देता. कोई बोला डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छा मेहनत करेगा उससे भारी करके दिखाता. कुछ इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं लेकिन जब वो इंजेक्शन देते हैं तो दूसरे दिवसी फुटबॉल सर की गार्ड घूम जाते हो जाता है सुधुम जाता है. और कुछ ऐसे होते हैं कि पता भी नहीं चलता किधर इंजेक्शन दिया था ऐसा पता नहीं. कल की बात है. कल मेरा बेटा और बेटी दोनों को एक डोज देना बाकी था. कल हमने डॉक्टर से डोज दिया. जब डोज दिया तो बेटी बहुत रोई. उसको बहुत दुखा. बेटी को कुछ नहीं दुखा लेकिन रात भर बेटे ने सोने नहीं दिया कंटिन्यू. इसके लिए कल आज सुबह बहुत लेट हो गया क्योंकि कंटिन्यू रात में हर आधे घंटे के बाद वो उठता था और बर्फ से हमको जो है वो आइस पैड होता है उससे उसको आई पाई ने एकदम मैडम एकदम एकदम गार्ड हो दुखद होते म्हणून ते बर्फाने शिका. डॉक्टर म्हटले बर्फाने शिका मग शिका. सो इस टाइप से ये जो होता है कि कुछ अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि भारी लगता है. और कोई बेचारा एमएस होता है हाईली क्वालिफाइड हमें कोई ना होता डेंजर होता है कि सब लोगों को पता चल जाता है इसने इंजेक्शन लगा के लाया ऑटोमेटिक सब फूक जाता है. लोग निकाल पर एक सादा होता है आजकल ये ना. ओके तो ऐसा होता है. आगे द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल.
और बिजनेस इज एसेंशियल। और लास्ट वाली चीज थी ऑक्यूपेशन वाली। ऑक्यूपेशन के लिए आपके पास अच्छी कला होनी चाहिए, और वो कला जो है वो इनबॉर्न होती है, इनबॉर्न होती है। मंगेशकर घराना, मंगेशकर घराना, त्यांच्या घराण्यामध्ये सगळेच गायक, क्योंकि सगळे लोक एकच प्रकारचा घसा घेऊन आलेले आहेत। कारण असा घसा कुठे पण बसा म्हणजे छान पैकी गायला येईल। लेकिन कुछ सिंगर या कुछ एक्टर ऐसे होते जैसे अमिताभ बच्चन, सिंगर या कुछ एक्टर ऐसे होते जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन पुराने जमाने में वो बड़ा हीरो था, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र सनी कसा सनी देओल त्याला इतकं ऍक्टिंग जमत का? पण धर्मेंद्र, धर्मेंद्रच पण आडनाव काय? देओल। पण तो आडनाव लावायचा त्यांना काय? हेमा मालिनी, हेमा मालिनी आणि त्यांच्या मुली ईशा आणि काय सारा का काय ते देओल, देओल ऍक्टिंग जमेगी ऐसा। सिंगर में भी ऐसा ही, उदित नारायण पता होंगे, उदित नारायण और उनका बेटा आदित्य नारायण, आदित्य नारायण जो कुछ तो भी एंकरिंग करता है वो शो कौन सा है? राइजिंग स्टार। आदि विरोध कहते हैं, मैं दो तीन साल पहले तब टीवी पर देखता था सारे का लिटिल चैनल, मतलब अभी बदल गया हूँ। पिछले एक साल से मैंने मतलब टीवी कभी भी ऐसा देखा नहीं है, एक डेढ़ साल से टीवी पूर्ण बंद। कारण अपन बघतो आपल्या मुलाबाळा बघतात, म्हणून आम्ही निर्णय घेतला मी आणि मॅडम की मुलांनी टीवी बघू नये म्हणून आपणही टीवी बघायचा कधीच, केबल नाही काहीच नाही, सगळं शो केलेले नाही पडत। इम्पॉर्टंट घर पे जाने के बाद मोबाइल साइड में, बेडरूम में मोबाइल लेके जाने का ही, क्योंकि हम मोबाइल देखते हैं तो बच्चे भी देखना शुरू करते हैं। इसके लिए डिसीजन लिया, जितना भी देखना है क्लास में देख लेते हैं, ओके मैसेज जो भेजने क्लास में, घर पे जाने के बाद नहीं। ऑक्यूपेशन के लिए आपके पास इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। The existence of business is essential. बिजनेस का एग्जिस्टेंस बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। एग्जिस्टेंस बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। आप व्यापार छोड़ के दूसरे किसी भी चीज के लिए भागीदारी कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन वो इधर आता नहीं। पार्टनरशिप एक्ट में जिस पार्टनरशिप की बात हम करेंगे, इट विल बी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। कल आपने चैरिटी के लिए पार्टनरशिप की, कल आपने लोगों को फ्री में कुछ बांटने के लिए, देश हित के लिए कुछ, फ्री में कुछ बांटने के लिए, देश हित के लिए कुछ किया। चलो हम चार लोग मिलके गरीबों को हटाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, इट विल नॉट कम अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। ये सिर्फ बिजनेस वाली आती है। आगे द मोटिव ऑफ बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन्स। आगे द मोटिव ऑफ बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन्स। बताओ व्यापार किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। आप दिन भर में जो काम करते हैं, नहीं तो व्यापार होता है, नहीं तो प्यार होता है, बस। एक तो व्यापार, नहीं तो इंसान कमाने के। क्या बोलो, बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट। जो नफे के लिए किया जाता है वो व्यापार, और जो अपने के लिए किया जाता है वो प्यार। लिखो और जो नफे के लिए नहीं वो प्यार।
बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर मोदी गांधी, बताओ ये जो कर रहे हैं व्यापारी क्या प्यारे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ओके हाँ, वो जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा, सही व्यक्ति सही जगह पे आ जाएगा। आगे आगे Therefore, there can be no partnership वहाँ, वहाँ भागीदारी होंगीच नहीं। There is no intention to carry on business, जहाँ पे आपका intention है ही नहीं, किसका बिजनेस कैरी करने, आपके पास बिजनेस कैरी करने का इंटेंशन होना चाहिए, और आपके पास बिजनेस कैरी करने का इंटेंशन होना चाहिए, और उसी के साथ आगे एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयरऑफ, त्याचा मधून मिळणारा नफा, उसमें से मिलने वाला नफा भी आपको आप उसके आपस में क्या करना है, बांटना है योरसेल्फ। आगे एग्जांपल को ओनर्स दैट इज जॉइंट ओनर्स हु शेयर देयर फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड एंड नॉट पार्टनर्स, आर नॉट पार्टनर्स, को ओनर जॉइंट ओनर संयुक्त मालिक, हु शेयर द रेंट फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड अपन म्हणतो माझी जमीन आहे, असं नाही म्हणायचं, जमिनीचा तुकडा आहे, जमीन सगळी अखंड असते, मग सगळी तुझी का बाकीचे कुठे जायचं, तो आई हैव द पीस ऑफ लैंड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर, सो पार्टनर नहीं है वो, बिजनेस नहीं है। आप बोलेंगे सर बिजनेस कैसे पहचानने का, एकदम सिंपल, जो बार बार हो वो व्यापार, जो बार बार हो वो व्यापार, और जो एक बार हो वो प्यार। फिल्में देखते होंगे आप, अरे देखते हैं फिल्में देखते होंगे आप, अरे देखते कि नहीं, सलमान खान इस फिल्म में इसके साथ प्यार करता है, उस फिल्म में उसके साथ प्यार करता है, उस वो प्यार नहीं है, क्या है, व्यापार है। देखो और तुम लोग सांगा, तुम्हें आज इकड़े प्यार उठो तिकड़े प्यार से करते हैं, तो अपना क्या है प्यार, और वो हमें सिखाते हैं प्यार कैसे करना, प्यार के लिए उनको बोलना तुम तो व्यापार कर रहे हो, प्यार तो हम कर रहे, तो अभी इस पे से क्या ध्यान में आएगा। देखो दो लोगों ने मिलके एक जमीन ली, वो जमीन भाड़े पे दे दी, क्योंकि एक ही बार, लेकिन वो ऐसा बार बार करने लगे, इधर की जमीन लेने का, इधर का बिल्डिंग लेने का, इधर का वो लेने का भाड़े पे लेने का, इधर का लेने का भाड़े पे लेने का, ऐसा वो बार बार करने लगे, तो बोलो वो क्या है, व्यापार। लिख लो साइड में व्यापार, लिख लो साइड में, जो बार बार होता या जो बार बार हो वो है व्यापार, जो बार बार हो वो है व्यापार, जो बार बार हो वो है व्यापार। अगला लाइन में लिखो जो एक बार हो, अब उसमें मैं आपके लिखवा के देने वाला था वो प्यार, लेकिन क्या घर वाले भी तुम्हारे नोट्स देखते होंगे, तो ऐसा लिखो वो नहीं व्यापार, वो नहीं व्यापार, जो एक बार हो वो नहीं व्यापार। मतलब क्या बताओ, कभी ऐसा होता होगा ना तुम्हारे घर में कोई चीज कम पड़ी तो तुम बाजू वाले के पास जाके वो चीज लेते होंगे, चार बनवा पर तुम चढ़े हे नहीं खाए मग सांगा मिश्रण घेता का, हा किंवा ना काही तू बोला है नाही घेत, तुझे शेजारी चांगले नाही असं, पाहुणे आलेले असायचे दूध नसायचं घरामध्ये तर आम्ही शेजारी जायचो आणि काकू कब्बर दूध द्या असं, बरोबर शेजार असं तुम्ही एकदा मागितलं तर व्यापार नाही, पण तुम्ही दररोज चालले मागितले
तकाकु मंदिरा में है डेयरी ओपन के लिए गए तकाकु मंदिरा में है डेयरी ओपन के लिए गए चालना मग ते पैसे घ्यायला सुरुवात बरोबर एका कपाचे 10 रुपये अशा पद्धतीने म्हणून ते लक्षात ठेवा व्यापार कसा असतो परत परत येतो त्याला कसा असतो परत परत येतो त्याला व्यापार आगे सिमिलरली नो चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन और क्लब मे बी पार्टनरशिप सिमिलरली नो चॅरिटेबल किती टेबल चॅरिटेबल नाही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब धर्मदाय किंवा दान धर्म करणारी संस्था जसं मी महावीर इंटरनॅशनल या संस्थेचा उपाध्यक्ष ही कोणती संस्था आहे चॅरिटेबल कोचिंग क्लासेस संघटनेचा सचिव चॅरिटेबल खजिंदा होते या कोणत्या संस्था आहे चॅरिटेबल ते काय कुठला बिझनेस करतात का केडीएच माजी विद्यार्थी संघ बाहेर बाहेर विकत आहे असं बघितलं आम्ही असं काही विकत नाही सो ये क्या हो पे चॅरिटी उसके लिए अगर चार लोग एक साथ आ जाए चॅरिटी उसके लिए अगर चार लोग एक साथ आ जाए तो इट इज नॉट अ पार्टनरशिप अंडर दिस एक्ट और क्लब पुढे दिलं बघा क्लब काय दिलंय कळत नाही म्हणायचं कळप आणि क्लब स्पेलिंग जवळपास सेम आहे जनावर एकत्र आले की काय होतो कळप पण माणसं एकत्र आले की त्याला कळप म्हणणं चांगलं वाटतंय का माणसांचा कळप आला काही माणसांचा कळप सुरू झाला म्हणून त्याला इंग्लिश मध्ये शब्द वेगळा केला काय केलं क्लब दोघांचं स्पेलिंग सेम आहे म्हणे तो परंतु अर्थ लक्षात ठेवायचा क्लब जसं आता आपल्याकडे आपण पुढच्या काही दिवसांमध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू करणार त्याच्यामध्ये हास्य क्लब लाफ्टर क्लबचे मेंबर आहे ते तुम्हाला हसवतो सन क्लब काही ठिकाणी सकाळी सकाळी लोक विड्यासारखे असतात जो जो असतात म्हणे त्यांना फक्त सकाळीच दौरा पडतो हास्य क्लब हेल्थ क्लब डान्स क्लब किंवा वरती असं बघा क्रिकेट क्लब वरती असं बघा क्रिकेट क्लब आता चालू आहे ना ते IPL विचित्र प्रकार बघतात ते मी एकही मॅच नाही बघितली IPLची या सीझन मध्ये आणि बघायचं नाही टाइमपास दुसऱ्या दिवशी पेपर मध्ये वाचायचं वाचनाने चांगलं काम चांगलं काम चांगलं काम चांगलं काम वाचन जरुरी आहे म्हणून रोज मी 8 न्यूजपेपर वाचतो पण एकही चॅनल वगैरे बघत नाही कुठलं चॅनल तुम्ही किती न्यूजपेपर वाचता किती लोकांच्या घरी न्यूजपेपर येतात पेपर येत एक दोनच कुठलं येत तुझ्याकडे दोन मिनिट येस बाकीच्यांनी सुद्धा आहे ना घ्यायला हरकत नाही क्लासमधून आज आम्ही शेवटचं रजिस्ट्रेशन करणार आहोत गव्हर्नमेंट टाइम्स सर्वात स्वस्त आणि मस्त पेपर 900 रुपयामध्ये 1200 रुपयाची वस्तू 500 रुपयाचं ॲडव्हर्टिजमेंटचं कुपन आणि वर्षभर तुमच्या घरामध्ये पेपर फ्री कोणाही करायचं असेल तर आता तिकडे रजिस्ट्रेशन बंद झालंय पण आपल्या क्लासमधले अजून 1-6 विद्यार्थी बाकी होते त्या 1-6 विद्यार्थी बाकी होते त्यांचा आज आम्ही करणार आहोत जर तुम्हाला इच्छा असेल तर नक्की करा 900 रुपयामध्ये वर्षभर आणि ह्या सगळ्या गोष्टींच्या सोबत ह्या गोष्टी आहेत त्यामुळे इंग्लिश पेपर वाचणं खूप जरुरी आहे रोज मी 2 इंग्लिश पेपर वाचतो आणि बाकी मराठी वाचतो पण मला बाकीच्या मराठीमधून काय लक्ष ठेवायचं कोणी काय गडबड करतोय ओके हा याच्यासाठी जरुरी असत सो वाचन वाचन खूप जरुरी फ्रेंड्स नो चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन ऑर क्लब मे बी अ पार्टनर बिझनेस त्यांचं काम बिझनेसचं नसतं पुढे सेकंड दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये आहे
देर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू शेअर. त्यांच्यामध्ये नफा वाटण्याचं एग्रीमेंट असलं पाहिजे. यू मस्ट एबल टू डिस्ट्रीब्युट द नफा. पुढे परंतु लॉस शेअर करण्याचा एग्रीमेंट इज नॉट एन इसेन्शियल एलिमेंट. करण्याचा एग्रीमेंट इज नॉट एन इसेन्शियल एलिमेंट. लॉस शेअर करणं जरुरी नाहीये. काय शेअर करणं जरुरी आहे? आपण की ऐसा कैसा चार लोगों की पार्टनरशिप है, प्रॉफिट हुआ तो सब में बांट. चार लोगों की पार्टनरशिप है, प्रॉफिट हुआ तो सब में बांटना कंपलसरी है. लॉस हुआ तो फिर भी सब में बांटना कंपलसरी है. लेकिन हम आगे जाके एक पार्ट देखने वाले हैं. वन टाइप ऑफ पार्टनर इज अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. सिर्फ नफे में भागीदार. नुकसान हुआ तो भागी फर्मदार. ऐसा भी लाइन होता है. इसके लिए अभी बोल के रखा, प्रॉफिट सबको बांटना जरूरी है. सबको हिस्सा मिलना चाहिए. सबका अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना किस्सा है. कभी ज्यादा है, कभी कम. However, in the event of losses, अगर आपको नुस्कैन हो जाए, क्या हो जाए? नुस्कैन. Unless agreed otherwise, ये आप बता रहे हैं, unless agreed otherwise. So, unless otherwise agreed, unless otherwise provided. मराठीत लिहा, जो पर्यंत वेगळं काही ठरत नाही. हिंदी में जब तक कुछ अलग डिसाइड नहीं होता. जब तक कुछ अलग क्या नहीं होता, डिसाइड नहीं होता. दिस मस्ट बी बॉर्न है. जन्म नहीं है. बॉर्न नहीं है का शब्द है बोर. सॉरी ढंग रहा है. बॉर्न नहीं है का शब्द है बोर. बोर्न सा अर्थ लिया सहन करने. इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हे तुम्ही प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो मध्ये सहन केलं पाहिजे. बहुत जरूरी है. आगे यस, या आपका आपस का है. चार यार बन गए भागीदार. वो बोले प्रॉफिट होगा तो सबको समान, लॉस होगा तो एकट्याला दुकट्याला तिकट्याला किंवा चौघांनी. वो आप आपस में डिसाइड कर सकते, लेकिन सब एग्री होने चाहिए. बोला जाए नहीं तो एक ने खुद होकर डिसाइड किया, देखो प्रॉफिट हुआ तो चारों में, लॉस हुआ तो मैं छोड़ गया. तुझे किसने छोड़ा? हमने छोड़ा तो ठीक है, तू अपने आप को छुड़वा सकता है क्या? नहीं. इसके लिए प्रॉफिट सब में, लॉस भी सब में. इसके लिए प्रॉफिट सब में, लॉस भी सब में. लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ अलग शब्द होंगे तो फिर लॉस सब में बांटा जाएगा. यस, लास्ट पॉइंट पढ़ो. बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, बिजनेस सब के द्वारा होना चाहिए और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब क्या? एक तो सब मिलके बिजनेस करो या सबके बिहाफ पे एक दो तीन मिलके बिजनेस करो. ऐसा आप कर सकते हैं. का मतलब होता है मेन, प्राइम, इम्पॉर्टेंट. तिघांचा मराठी मध्ये अर्थ मेन म्हणजे रोड, मेन रोड. मेन म्हणजे लिहा मुख्य. प्राइम, प्राइम म्हणजे मूळ. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे येस महत. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे येस महत. महत्वाचं, महत्वपूर्ण. प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपल नियम ऑफ पार्टनरशिप लॉ.
ये पार्टनरशिप लॉ का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आगे Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all other partners. Yes. Each partner carrying on the business is principal. इधर वो मालिक भी है as well as agent, प्रतिनिधि भी है for all other partners. बाकी के सारे partners के लिए वो मालिक भी और प्रतिनिधि भी है, दोनों टू इन वन है। तो हर भागीदार, हर भागीदार वो पार्टनर मतलब प्रिंसिपल मुख्य भी है और वो प्रतिनिधि भी है, दूसरे का एजेंट भी। आप बोलेगा ऐसा कैसा? पढ़ो। The good taste of partnership is mutually agency and not The true test of partnership is mutually agency and not sharing of profits. The true test of India, Amul, Tilan. True test of partnership. Test बनेगा पारक, भागीदारी ची खरी पारक, कशादारी ची खरी पारक, कशा दस्ते is the mutual agency ma. Mutual agency ला shortcut मधे लक्षण तो है सब ma. आणि म्हणून लक्षात ठेवायचं, पा होण्यासाठी सर्वात जरुरी काय आहे? मा। पा होण्यासाठी मा जरुरी। यस, ये हम नीचे इसमें और ज्यादा डिटेल में देखने वाले, अभी शॉर्टकट में है। पार्टनरशिप के लिए सबसे जरूरी चीज होती है म्यूचुअल एजेंसी, म्हणजे लिहा एकमेकांचे प्रतिनिधि। हिंदी में एक दूसरे के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि एकमेकांचे ते प्रतिनिधी असले पाहिजे। आगे इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज अब्सेंट देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। यस, उसके पहले का वाक्य, उसके पहले का वाक्य था नॉट शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। देखो, सिर्फ आप प्रॉफिट बांट रहे हैं मतलब आप में भागीदारी है, ये जरूरी नहीं। भागीदारी आप में होने के लिए आप में सबसे जरूरी चीज है म्यूचुअल एजेंसी। मींस इफ द एलिमेंट यानी घटक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, अगर आपके अंदर म्यूचुअल एजेंसी वाली चीज नहीं होगी, देयर विल बी नो पार्टनरशिप, तो आप में पार्टनरशिप नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी। आगे Mutual agency means every partner is principal as well as agent of all other partners. ये principal का spelling गलत हो गया यहाँ पे। Mutual agency का मतलब है every partner is a principal, मालिक, as well as agent, प्रतिनिधि of all, मालिक as well as agent, प्रतिनिधि of all other partners. वो मालिक भी है और बाकी के पार्टनरों का वो क्या है? प्रतिनिधि भी है, प्रतिनिधित्व करने वाला है वो, दोनों चीजें उसके अंदर है दोनों चीजें है वो दोनों चीजें उसके अंदर है दोनों चीजें हाँ या ना? यस। सो फ्रेंड्स, तीन इसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप बनने के लिए, और वही ऊपर डेफिनेशन में भी दिया था। बोलो, सबसे पहली चीज करार के लिए दो से अधिक व्यक्ति हो गए तभी तो एग्रीमेंट होगा। आप अपने खुद के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या? आज से मैंने अपने खुद के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसको एग्रीमेंट नहीं, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। एक बार होता डायलॉग था ना फिल्म में, एक बार जो मैं कमिटमेंट, एग्रीमेंट के लिए कम से कम दो या अधिक लोग। दूसरी चीज, किसका एग्रीमेंट? शेयर, क्या किसमें से? मतलब उसमें दो चीजें आ गई, किसमें से? मतलब उसमें दो चीजें आ गई, बिजनेस चाहिए और प्रॉफिट का क्या चाहिए? शेयरिंग, तभी बात पड़ेगी। आगे बिजनेस
सब मिलके बिजनेस करो, नहीं तो सब मिलके बिजनेस करो, नहीं तो सबके बिहाफ पे दो करो। जैसे मैंने कल बताया पिछले साल के सिलेबस में लिमिट था सिर्फ 20 का, 20 पार्टनर हो सकते थे, अभी वो लिमिट कितना हो गया 100, बहुत ज्यादा हो गया 100, बहुत ज्यादा हो गई 100, छोड़ चलो 20 पकड़ो, 20 लोगों ने मिलके, इधर जो 20 लड़कियां बैठी है उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग स्टेशनरी का दुकान डालेंगे। स्टेशनरी का दुकान में 20 के 20 तुम काउंटर पे इधर खड़े हो, पूरी कस्टमर आना पे तो वगैरह पढ़ देख रहे तो अरे डर के वो मार जाएगा, बोलेगा इतने सारे इतनी बढ़िया आएगा भाई ओके। हाँ इसके लिए सभी लोग नहीं काम कर सकते, और इतने लोग अगर ऑफिस में बैठेंगे दुकान में बैठेंगे तो वो सामान किधर रखेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। मग तुमसे सामान चले जाओ प्रॉब्लम हो जाएगी, मग तुमसे सामान चले जाओ लगे। इसके लिए सगळ्यांच्या वतीने कोणीतरी काम करत, एक तो एक दो तीन जितने चाहिए उतने वहां पे काम कर सकते, समझने वाली बात। इस टाइप से just carried on by all or any one of them acting for all, ये तीन essential elements हमने लिख लिए हैं। कल से मैंने बोला है हर पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, चार लाइन को दो लाइन में करके एक लाइन में करके समरी के रूप में नोटबुक में लिखना शुरू करना है। किती लोग मुला रूम घेऊन राहतात, कल चांदवड़ से दो स्टूडेंट आए थे, उसके पहले एक दो बच्चे बॉयज आके गए, तो मुझे नंबर देके रखो, गर्ल्स आते हैं तो मैं उनका नंबर देता हूँ जो गर्ल्स यहाँ पे रूम लेके रहती है, तो मैं उनका नंबर देता हूँ जो गर्ल्स यहाँ पे रूम लेके रहती है, बॉयज भी है। एक तारीख से कुछ लोग रूम्स पे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, 40 गांव के है, कुछ चांदवड़ के है, तो फिर और भी इसमें बढ़ जाएंगे। उनके लिए रूम अगर आपको बताएं कहाँ कहाँ पे है तो मुझे मैसेज बताएं कहाँ कहाँ पे है तो मुझे मैसेज भेज के रखो मेरे मैसेज पे, ताकि हम उनको सब बता सके। अटेंडेंस हो गई सबकी, अटेंडेंस